नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक हम लोग बात करते हैं। नोकियास में कुछ ओपनिंग्स आई है प्रोटोकॉल टेस्टिंग से रिलेटेड, तो उसको आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी ओपनिंग्स है, क्या यहाँ पे आया हुआ है। तो नोकिया की वेबसाइट में आप जैसे ही जाते हैं तो मेरा भी सोर्स है, उससे मालूम चला कि नोकिया में जो भी ऑटोमेशन से रिलेटेड और टेस्ट इंजीनियर से रिलेटेड बहुत सारी ओपनिंग्स है, जो फीचर टेस्टिंग के लिए है, रिग्रेशन के लिए है और डेवलपर में भी है, जो जिसको C++ और 5G C++ डॉक्यूमेंटेशन और पाइथन का नॉलेज है वो ऑटोमेशन में डायरेक्टली जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैनुअल में जा सकते हैं। तो ये हम वह ओपनिंग्स जो देख रहे हैं नोकिया के पोर्टल में जाके, वहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो पहला देख रहा हूँ कि मैं नोकिया के प्रोफाइल में जैसे ही जाएंगे नोकिया के पोर्टल में, वहाँ पर आप देखेंगे बैंगलोर लोकेशन के लिए टेस्ट इंजीनियर की ओपनिंग्स है, मीन्स आपके प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए ओपनिंग है। आप वहाँ पर जस्ट जाके अप्लाई फॉर जॉब्स और वहाँ से जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये टेस्ट इंजीनियर में क्या क्या क्राइटेरिया थे, जैसे हम लोगों ने आपने पढ़ा होगा, मैंने प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जितना टॉपिक्स पढ़ाया है उसमें से आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा रहा है इसमें टेस्ट इंजीनियर के लिए। तो नोकिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है। ये जो देख रहे हैं ये जो है ये फीचर टेस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट है इनकी। इसमें लिखा हुआ कि 5G फीचर टेस्ट टीम इज़ लुकिंग फॉर प्रोफेशनल हैविंग 5 ईयर्स एक्सपीरियंस प्लस रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ वायरलेस प्रोडक्ट, शुड बी हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ 5G 4G टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस, नॉलेज ऑफ एजाइल और कंटिन्यूस डिलीवरी मेथड। ओके, ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि 4G और 5G से रिलेटेड और 5G से क्वेश्चन कुछ पूछे जाने लगे और पूछे शुरू हो गए हैं। तो मोस्टली अब 5G के बारे में जो नोकिया हायरिंग कर रही है अभी 5G से जिसको नॉलेज ज़्यादा है उनसे उनको हायरिंग कर रही है टेस्ट इंजीनियर के लिए। इसमें आप देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये अभी 5G से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर भी सेम वही है। आपको करियर एग्रीगेशन से रिलेटेड फीचर्स में आपको मालूम चल गया, हैंड ओवर से रिलेटेड है, VRAN के बारे में, ORAN से रिलेटेड आपको कुछ मालूम होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि आपको 5G और ORAN से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं कंपनीज में। तो ये सभी आपको टॉपिक्स कुछ याद करने पड़ेंगे, करियर एग्रीगेशन क्या है, करियर एग्रीगेशन में हैंडओवर से VRAN, क्योंकि VRAN एंड ORAN जो है अभी न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यहाँ पे इंडिया में यूज़ करेंगे और कंपनी जस्ट प्रोटोकॉल टेस्टिंग में भी टेस्टिंग शुरू हुआ है। तो इसमें बहुत सारी कंपनी अभी ORAN के लिए वर्क कर रही है और VRAN के लिए वर्क करेगी, तो इसके लिए आपको बेसिक्स नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। उसके बाद फीचर टेस्ट स्ट्रेटजी एंड टेस्ट प्लान प्रिपरेशन, आपको टेस्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑटोमेशन ऑफ फीचर टेस्ट केस, अगर ऑटोमेशन आपको मालूम है ऑटोमेट कैसे करते हैं फीचर, आपको अगर मैनुअल टेस्टिंग आप करते हैं और आपको पाइथन का नॉलेज है तो यहाँ पर ऑटोमेशन से फीचर को ऑटोमेट करने के लिए आपको यहाँ पर करना होगा टेस्ट इंजीनियर के लिए। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, ये जो जो रिक्वायरमेंट है इनकी उसमें क्या है, उसमें देख सकते हैं कि ये 5G का क्वेश्चंस, उसके बाद करते हैं 5G प्रेफर्ड, आप देख रहे हैं गुड वायरलेस डोमेन एंड 5G प्रेफर्ड और 4G। अब हम लोगों को क्या है कि 4G का ऑलरेडी हम लोग इंडिया में भी 5G लॉन्च हो गया 1 अक्टूबर से, तो आपको 4G छोड़ के 5G पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको अब इंटरव्यू स्किल सेट में। वेल वर्स विथ 5G ऐसे एंड ऐसे कॉल फ्लो यूजर्स कैसे, आपको कॉल फ्लो आप पिछले वीडियोस में दाएंगे तो हमने ऑलरेडी 5G ऐसे कॉल फ्लो के बारे में डिस्कशन कर दिया है। ये 42 और 43 पार्ट्स में है जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है। करियर एग्रेशन बीम फॉर्मिंग के बारे में हम लोगों ने नहीं डिस्कशन किया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। उसमें प्रोटोकॉल्स है, नैस है, RRM से रिलेटेड प्रोटोकॉल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वायरशार्क क्या है जो ऑलरेडी हमने बता दिया है, जीरा होता है, जीरा के बारे में मैंने नहीं बताया, बग रिपोर्टिंग टूल्स के बारे में नहीं बताया मैंने, तो बग रिपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट बग रिपोर्टिंग टूल्स है और जीरा के बारे में मैं आपको बता दूंगा। वायरशार्क के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है वहाँ पे अपने वीडियोस में। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन और रोबोट, ये प्रेफर्ड है, अगर पाइथन आपको मालूम है तो रोबोट के बारे में मालूम है तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस टेस्ट इंजीनियर के लिए उनको ज़रूरत है, क्योंकि ये हायरिंग हो रही है टेस्ट इंजीनियर ऑटोमेशन के लिए।
और गुड डिबगिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, डिबगिंग स्किल आपका होना चाहिए। अगर आप बी बी टेक एम ई एम टेक है इन कंप्यूटर साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये ओपनिंग्स आपके लिए होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि ये जो ओपनिंग्स थी ये मोस्टली अब 5G पे शुरू हो गई है, जहाँ भी जा रहे हैं अभी ओपनिंग्स में तो 5G में शुरू हो गया। 5G के लिए आपको अब ध्यान देना है 5G के टॉपिक्स में, 5G ASA के बारे में, 5G NSA के बारे में, ओके ऐसे एन एस ए के बारे में, कौन कौन से राइज प्रोसेस होते हैं, 5G के हैंड ओवर के बारे में। तो प्रोसेस आपको सेफ सेम होगा अगर आप 4G के बारे में, अगर आपको बेसिक्स नॉलेज है, आपको 4G के बारे में आप जानते हैं, तो 5G आपको अंडरस्टैंड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम लोगों ने टॉपिक्स में आपने देखा होगा 4G और 5G का डिफरेंस मैंने बताया है, 5G का राइज प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर दिया है, 5G का मैंने अब देखेंगे अटैच प्रोसेस आप समझते हैं कॉल फ्लो ऐसे का मैंने कंप्लीट कर दिया है, 5G का डिप्लॉयमेंट ऑप्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया मेरे उसमें प्रोटोकॉल टेस्टिंग वीडियोस में। तो ये जो है ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे आप 5G से रिलेटेड जो यहाँ पे दिया गया है, ये क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं भी आप अगर कहीं भी जाते हैं अभी तो आपसे 5G का क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, क्योंकि 4G अब है नहीं इंडिया में भी, 5G अब मालूम है कि लॉन्च हो गया, तो उसके लिए आपको ये सभी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं नोकिया में तो नोकिया के पोर्टल में जाके और यहाँ से साइन इन करके अप्लाई फॉर द जॉब क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको वहाँ से नेक्स्ट जो भी फिल करने को होगा आप वहाँ से फिल करें और अप्लाई करें। अगर आपका मैच जो आपने रिज्यूम में जो आपने लिखा है वो अगर मैच करता है तो आपको 100% कॉल नोकिया एचआर से आपको आएगा। कुछ और देख लेते हैं ओपनिंग्स है या नहीं है नोकिया में, और कहीं देखते हैं ओपनिंग्स, अगर इसमें जाएंगे तो बहुत सारी ओपनिंग है। आप हम लोग देखते हैं ऑटोमेशन के लिए टेस्ट इंजन ऑटोमेशन, यहाँ पर भी अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑटोमेशन में अगर जाते हैं यहाँ पे तो ऑटोमेशन के लिए देखते हैं कि ये किसके लिए है, ये जो है ये सेम है एंटिटी टेस्ट के लिए यूजिंग रोबोट स्क्रिप्ट ऑटोमेशन ऑफ इंटी मीन्स ये जीनोड भी टीम के लिए है, एंटिटी टेस्ट टीम है इसके लिए फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन डेवलपर विथ एक्सैक्ट रोबोट फ्रेमवर्क, ये ऑटोमेशन फुल्ली ऑटोमेशन से है। तो जो अभी जो RF इंजीनियर हैं जिनको अभी जॉब स्विच करना है, तो अगर ये सभी अगर आपको मालूम है स्किल्स तो ठीक है, नहीं तो आपका पिछला जो मैंने दिखाया वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंटिटी टेस्टिंग में आपको जीनोड भी टेस्टिंग करना होता है, नोकिया में अगर जाएंगे तो नोकिया में जीनोड भी का टेस्टिंग करना होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप फीचर टेस्टिंग हो या फंक्शनल टेस्टिंग हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टीम है ये आपको टेस्टिंग करती है। तो ये सभी कुछ स्किल सेट्स है। आप थ्योरेटिकली पार्ट्स में जाएंगे तो आपको ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस दिया गया है इसमें पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, लाइनक्स के बारे में, ऑटोमेशन करते कैसे हैं, तो ये जो है ऑटोमेशन के लिए है। ओके और दूसरा कुछ देख लेते हैं, और कोई ओपनिंग्स है यहाँ पे। ओके ये आप देख सकते हैं जितना एंड टू एंड वाईफाई टेस्टिंग जो टीम वाईफाई में है जिस ऑटोमेशन से रिलेटेड अभी बहुत सारी ओपनिंग्स है। नेक्स्ट अगर देखते हैं दूसरे पेज में, ये सभी देख सकते हैं कितने ऑटोमेशन में कितनी ओपनिंग्स है, नोकिया के ऑटोमेशन में बहुत सारी ओपनिंग्स आई है, लीड टेस्ट इंजीनियर है, उसके बाद ये सभी जो है जिसका 8 साल से एक्सपीरियंस टेस्ट ऑटोमेशन है, टेस्ट ऑटोमेशन से बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स यहाँ पे आई हुई है। तो एज़ पर आपको जो ये है ये भी टेस्ट इंजीनियर टेक्निकल स्पेशलिस्ट एक प्रोफाइल मिलता है नोकिया में, उसके अनुसार टेस्टिंग, तो इसमें भी देख लें ये किस टीम के लिए है, ये टीम जो है ये भी जो है ये मोबाइल ओरेंज से रिलेटेड, आप देख सकते हैं ये जो पूरा टीम है द टीम यू विल बी पार्ट ऑफ आवर बिजनेस ग्रुप लीडर विद द ओरेंज एंड वीरेंज से रिलेटेड जो भी है उसके लिए आप जाएंगे, व्हाट विल लर्न एंड कंट्रीब्यूट टू टेक्निकल एक्सपर्ट एंड टू एंड ओनरशिप, इसमें कोच एंड टू एंड ये सभी है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और स्किल सेट्स आपको चाहिए इसमें, ये थोड़ा सी हाई प्रोफाइल ये हम लोगों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको चाहते नहीं ये हम लोगों के लिए नहीं है, जो हम लोग प्रोटोकॉल टेस्टिंग जो आप RF इंजीनियर से उनके लिए तो नहीं ओपनिंग से। ओके अगर डेटा इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्निकल स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है EP टेस्टिंग IT एंड दिस ऑल टेस्ट इंजीनियर यहाँ पर भी है।
तो ये सभी देख सकते हैं कितनी बहुत सारी नोकियास में अभी ओपनिंग्स है। आप जाके वन बाई वन, आपको टोटल 35 पेज है, आप वहाँ तक 35 पेज में जो भी आपके मैच होती है उसको आप अप्लाई कीजिए, आपको 100% कॉल आता है नोकिया के एच आर पोर्टल से। आप देखिए कि यहाँ पर भी आप जाके कर सकते हैं। चलिए, आप अगर कुछ जो टॉपिक्स हम लोगों ने जो देखा हो, जो फिनिश नहीं हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से, हम लोग करियर रिग्रेशन, मोबिलिटी से रिलेटेड और हैंडओवर से रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे, 5G से, ओरन एंड वीरन से रिलेटेड, वीरन से नहीं, मैंने टॉपिक ओरन से बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। आप अगर पिछले स्लाइड्स में जाएंगे तो आपको ओरन से रिलेटेड कुछ वीडियोस, 2 और 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो आपको इंटरव्यू पॉइंटर्स से एनएफ है, नोकिया के इंटरव्यू पॉइंटर्स से एनएफ है। ओके, इसके साथ साथ और कुछ ओपनिंग्स आती है तो मैं आपको किसी पोर्टल के थ्रू जाके और आपको बताते रहूँगा। ओके, और आज के लिए तो इतना ही। आप ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, और कुछ न आपको कुछ अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ हमको मेल कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।